क्लास फोर सब्जेक्ट साइंस चैप्टर वन फूड एंड डाइजेशन भोजन और पाचन, यही हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी जीव के लिए भोजन अनिवार्य है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव, भोजन हमें बढ़ने में और जीवन जीने में मदद करता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी, यही भोजन हमें क्या देता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें स्वस्थ भी रखता है। वी ईट वीट राइस वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड पल्सेज, हम लोग क्या खाते हैं, गेहूँ चावल सब्जी फल और दाल। सम ऑफ अस ऑल्सो ईट मीट फिश एंड एग्स, इसके अलावा हम लोग मांस मछली अंडा ये भी खाते हैं। फूड कंटेंट्स सबस्टांस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, वैसे भोजन जो हमें पोषक देते हैं उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, यानी ये जितने हैं यह सभी पोषक तत्व देते हैं। विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, और ये हमारे बॉडी को हमारे शरीर को ग्रोथ करते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड, भोजन में हमारे पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं या कौन कौन सा पोषक तत्व हमें लेना चाहिए। फूड कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वह हमारे पोषक तत्व हैं। फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर, यही नहीं भोजन में हमें क्या चाहिए, रफेज और वाटर की भी आवश्यकता होती है, यह भी हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब आइए, व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस, ये पोषक तत्व हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वह क्या करता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क, कार्बोहाइड्रेट हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के दो प्रकार हैं, कौन, राइस व्हीट एंड पोटैटो। कंटेंस स्टार्च, किस किस चीज़ में स्टार्च पाए जाते हैं, जैसे चावल गेहूं आलू ये सभी में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। इसके अलावा फैट्स, अब दूसरा है, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च, फैट जो है वह हमें कार्बोहाइड्रेट से अत्यधिक जो है ऊर्जा प्राप्त कराता है, शक्ति देता है। फैट्स किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, ऑयल नट्स एंड बटर, इन चीज़ों में हमें प्रचुर मात्रा में फैट प्राप्त होता है। अब आइए प्रोटीन्स, प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है। दिस इज वाई चिल्ड्रेन मोर प्रोटीन, इसलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उसको अधिक से अधिक प्रोटीन दिया जाए, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में डेवलपमेंट हो, शरीर का विकास हो। अब प्रोटीन किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, एग्स फिश मीट चीज पीज एंड पल्सेज कंटेन प्रोटीन्स, ये जितने हैं अंडा मछली मांस चीज ये सभी में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको हम बॉडी बिल्डिंग भी फूड कहते हैं, या क्यों बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि वह हमारे शरीर को वृद्धि करता है, हमें बढ़ने में मदद करता है। विटामिन्स हेल्प
आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, और विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, वह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड विच कंटेन विटामिन्स थ्रू आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ विटामिन लेते रहना चाहिए। उसके बाद में है मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स टीथ एंड ब्लड। हमारे शरीर में मिनरल्स का कार्य क्या होता है कि वह हमारे हड्डियों को, दांतों को और रक्त को अर्थात खून को वृद्धि करता है, मेंटेन करता है। मिनरल्स किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है एंड आयरन। ये सारी चीज़ों में हम मिनरल्स पाए जाते हैं। वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम्स। अब मिनरल्स हमें किस किस चीज़ों से पाया जाएगा, किन किन चीज़ों में मिनरल्स मिलते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ी फल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, मीट, मांस, फिश, मछली, मिल्क एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ों में हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। मिनरल्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, इसलिए इसे हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे शरीर को में के डिजीज से मुक्त रखता है। रफेज, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे भोजन में रफेज की मात्रा होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पाचन तंत्र को वह सुचारू रखता है, मेंटेन रखता है। इट एड्स बल्क ऑफ द फूड। इसलिए रफेज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। और जल हमारे शरीर की तापमान को भी नियंत्रित करता है और हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करता है तथा हमें ऊर्जा भी देता है। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे शरीर की जितनी वजन है उसका 3/4 भाग उसमें जल ही है। अब आइए ये बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, जिसको हम बैलेंस डाइट मींस संतुलित आहार। ये बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें, सारी पोषक तत्व जो प्राप्त हो उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। सारी चीज़ें यानी जितनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे भोजन में होनी चाहिए और उसी को हम लोग बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहते हैं। अब आइए डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे भोजन जो है कैसे पचता है, नहीं, द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड इनर्जी। द फूड दैट वी जो हम भोजन करते हैं वह डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड इनर्जी, वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। इट इज ब्रोकन डाउन इंटू ए सिंपलर फॉर्म। यह क्या होता है, जब हमारे भोजन हम लेते हैं वह भोजन जो है हमारे शरीर में छोटे छोटे कणों में बढ़ते हैं और तब जा कर के हमें वह ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू ए सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा भोजन जो है छोटे छोटे कणों में बट करके वह बिल्कुल पूर्ण रूप से वह क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है यानी पच जाता है, उसको हम लोग पाचन कहते हैं। अब आइए द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की क्रिया कैसे होती है, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन की क्रियाएं कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन
begins from the moment we put food into our mouth. सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, अपने मुंह में लेते हैं. नहीं, वह मुंह में जाते ही वह क्या होता है कि हमारी टीथ जो है उसको ग्राइंडिंग करती है, यानी उसको छोटे छोटे कणों में पीसती है. उसके बाद में वह फिर हमारे मुंह से लार ग्रंथियां सलीवा है जो मिक्स होकर के हमारे फूड पाइप के द्वारा एस्टोमक तक पहुंचती है, और फिर एस्टोमक के बाद में जाने के बाद में उसमें बहुत सारे इंटरनल्स ऑर्गन्स होते हैं जो मिल करके हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं. जैसे आपको उसमें क्या होता है कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, ये सारे जो हैं वह मिल करके हमारे भोजन में, भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और तब जा करके हमारे शरीर में वह ब्लड बनता है और हमारे पूरे शरीर में उसका संचार होता है. सम टिप्स फॉर द प्रॉपर डाइजेशन, कुछ आपको टिप्स दिए जाते हैं जो डाइजेशन में सहायक होते हैं. हैव योर फूड एट फिक्स आवर्स, आप अपने घर पर किसी समय में भोजन नहीं करनी चाहिए, वह सभी भोजन करने का एक समय निश्चित होनी चाहिए. च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, और निगलने के पहले भोजन को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, उसे चबाना चाहिए. ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, हमें भोजन में हरी सब्जियां और फल भी लेनी चाहिए. डू नॉट ओवर ईट, और कभी भी आवश्यकता से अधिक, भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए. ड्रिंक plenty of water, और जल जो है प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, यानी जल हमेशा पीते रहना चाहिए. Preparing food, we eat raw as well as cooked food. अब भोजन कैसे करें, कुछ भोजन, कुछ जो है उसको हम लोग रॉ कच्चा भी खाते हैं और कुछ जो है पका करके खाते हैं. Fruits and certain vegetables are eaten raw, कुछ फल जो है और भेज सब्जियां हैं जिसको हम कच्चा ही खाते हैं. We should wash them properly before eating, और उसको खाने से पहले क्या करना चाहिए, फल और सब्जियों को उसे बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, यानी जल से, पानी से उसे धो देना चाहिए. So as to free them from dust and germs, ऐसा करने से क्या होता है कि उसके ऊपर जितने भी धूल कण और germs लगे हुए होते हैं कि वह सभी जो है वह धुल जाते हैं. Other types of food are cooked, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भोजन हैं जिसको हम पकाते हैं, पका करके खाते हैं. Some food like जैसे राइस, पोटैटोज एंड बॉयल, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉयल करके, उबाल करके, बना करके तभी हम खाते हैं. सम इडलीज आर द एक्सट्रीम, प्यूरीज आर फ्राइड. अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, इडली को खाते हैं, उसमें भी आपको है कि किस भोजन को कितने हीट पर, कितने गर्मी, कितने गर्म करेंगे तो उसे हम खाएंगे, इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर तरीका होनी चाहिए. अधिक आप उसे उबाल देते हैं या तल देते हैं, वह भोजन जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है. Things to remember while cooking, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा भोजन बनाते समय याद रखनी चाहिए. Do not throw away the water in which pulses are soaked. कुछ ऐसे चीज़ें जैसे दाल को है, आपके दाल में जो पानी होते हैं उसको नहीं फेंकना चाहिए. इट कंटेंस विटामिन्स, यूज इट फॉर कुकिंग, क्योंकि वह बनाने के समय में वही जो है हमारे लिए वह विटामिन है. डू नॉट वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम, कभी भी सब्जी और फल को
फल को काट करके नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? क्योंकि यदि हम उसे काट करके धोते हैं तो उसमें का जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह सभी जो है वह बाहर हो जाते हैं। वाइल बॉइलिंग, जब बॉइलिंग करते हैं, टेक जस्ट enough water so that the water which has absorbed the nutrients is not thrown away। जब boiling करते हैं किसी चीज़ को तो boiling किया हुआ चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वह अगर आप उसे फेंक देते हैं तो वह क्या होता है कि उसमें क्या जितने भी nutrients हैं वह सभी के सभी बाहर हो जाते हैं। Do not overcook, और भोजन को अधिक से अधिक नहीं पकाना चाहिए। Too much roasting and frying destroy the nutrients। अगर ऐसा करते हैं तो उसमें के सारे पोषक तत्व तो जो हैं वह बाहर हो जाते हैं। प्रिजर्विंग फूड, अब भोजन को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे? फूड इज वैल्यूएबल, भोजन जो है वह बहुत बहुमूल्य है। इफ नॉट प्रिजर्व्ड, यदि उसे हम सुरक्षित नहीं करेंगे, इट मे बिगिन टू स्पॉयल, वह क्या होगा, वह बर्बाद हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन ए वे दैट प्रिजर्व इट्स वैल्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को सुरक्षित करते हैं उसको हम लोग प्रिजर्वेशन कहते हैं। कुक्ड फॉर द अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व इन डिफरेंट वेज, अगर आप भोजन बना हुआ और नहीं बना हुआ दोनों को सुरक्षित करने के लिए हमें अलग अलग तरीकों को अपनाना चाहिए। अब आप लोग इसमें का जितना रीडिंग करेंगे और जितना भी है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, बनाइएगा और फिर कीजिएगा।